1, 2, 3, let's switch this up. Hello everyone, I'm Dipanshi Jain, owner of scrunchitup.in, and this is our first vlog. So I was really very confused कि मुझे क्या first video बनानी चाहिए. I thought कि मैं एक पूरी sit down video बनाऊं, but then I was like नहीं यार वो नहीं बनानी है. So आज मैं आ रही थी अपना product shoot करने because we are launching some really cool stuff this April and I wanted to do a product shoot. So I thought why not to vlog it. So here we are doing a product photoshoot vlog. So मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ कि मैं कैसे product shoot करती हूँ, क्या क्या उसके पीछे जाता है, क्या क्या आपको चाहिए होता है. And I will be doing it with my phone because I am vlogging today. So camera तो busy रहने वाला है. So इस वजह से I'll be using my phone. And मेरा phone है Redmi Note 10 Pro, I guess. मैं नीचे link कर दूंगी by the way. And इसमें बहुत cool feature मुझे ये लगता है कि इसमें macro shots काफी ज्यादा अच्छा आते हैं जो कि कैमरे से नहीं आते हैं. And I like to do a very detailed photoshoot. तो इस वजह से मैं phone ही use करने वाली हूँ for my accessories and everything. Scrunchies का हम देखेंगे. And also I'll be making some combos to go live this 15th. आज क्या है? Today is 11th. We got a new order. Nagma Firdosh placed an order. So thank you Nagma. Okay, so this vlog is going to be great because काफी अच्छी सी start हो गई है. And I am very sweaty because पंखा बस यही वाला है, ऊपर कोई भी पंखा नहीं है. And दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी है. So अभी बज रहे हैं 1:16 and I am hoping कि मैं at least 4 बजे तक सब कुछ wrap up कर लूँ. So yeah, let's get going. So first thing first, you need a good lighting after your camera. So phone हमारा sort हो चुका है कि हमें किससे shoot करना है, but we need good lighting. I would suggest you guys कि आप शाम को shoot करो 4 बजे के बाद, क्योंकि 4 से 6 का ऐसा time होता है जब sunset हो रहा होता है and बहुत सुंदर like sunrays पड़ रही होती हैं और बहुत sun kissed photos आती हैं और एकदम like golden hour वाली जो photos होती हैं वो बहुत अच्छी आती हैं. I'll just insert a reel here. ये एक perfect example है of that timeline. But because मुझे 4 बजे तक ये सब कुछ wrap up करना है, I'll be using my softbox. मैं सब कुछ लिंक कर दूंगी नीचे. It's quite expensive. I won't suggest you guys to buy a softbox. मैं YouTube videos भी बनाती हूँ, इस वजह से मेरे पास ये है. Otherwise, you can also have a ring light. So this is the ring light that I will be using. ये है Digitech की 18 inch ring light और उसके साथ मैंने एक stand ले रखा है, Digitech का ही है. सब कुछ नीचे linked है तो वो checkout कर लेना. And now we need some props. So first of all, you will need some satin cloth. Satin भी चल सकता है, silk, fur वाला जो material होता है. Basically any solid color cloth. That's what I use. आप कोई भी fabric ले सकते हो, किसी भी material का. Just try कि अगर आपको silk या satin वाला जो material होता है, जो soft fabric होता है, वो वाला मिल पाए, वो photos में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत अच्छी shine आती है. So I'll be trying to do something with these two. ये मुझे काफी अच्छा color combination लग रहा है. So let's try them out first. I also have golden और एक मेरे पास fur वाला. मेरे पास बहुत सारे कपड़े इसलिए भी हैं बिकॉज आई हैव अ स्क्रंची बिजनेस. बट अगर आप कोई भी टाइप का बिजनेस करते हो तो सैटिन फैब्रिक आप एक ले लो, एक व्हाइट कलर का ले लो और एक फर वाला ले लो. दैट विल वर्क एब्सोल्युटली फाइन. नाउ यू कैन यूज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आफ्टर अ फैब्रिक. सो फैब्रिक मैंने नीचे बिछा दिया है एज अ बेस एंड उसके बाद आई एम यूजिंग दिस सेरामिक ट्रे. ये भी मैंने अमेजोन से ली थी. यू कैन बाय सो मेनी ऑफ देम. बहुत अलग अलग शेप्स और साइजेस में आती है तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी थी. सो आई बॉट दिस. एंड इसकी एक खास बात है कि इसमें ना ज्यादा शाइन नहीं है तो ये रिफ्लेक्ट कम करती है. सो पिक्चर्स अच्छी आती हैं इस पे. एंड ऑल्सो आई बॉट दिस वुडन ट्रे. आई डोंट नो मैंने क्यों लिया था ये, क्या सोच के इतनी बड़ी मैंने मंगवा ली. बट आई ऑल्सो हैव दिस. आई मीन इट्स वेरी प्रिटी बट आई डोंट नो हाउ टू यूज इट एज ऑफ नाउ. सो आई एम जस्ट गोना स्टिक विद द सेरेमिक ट्रे. नाउ यू कैन ऑल्सो बाय फेक फ्लावर्स. वो भी काफी अच्छे लगते हैं एंड आई हैव यूज्ड देम लाइक शैडो क्रिएट करने के लिए. जब आप सनलाइट में यूज करते हो तो यू कैन अचीव दीज टाइप ऑफ पिक्चर्स. ये भी काफी ज्यादा सुंदर लगता है. बट टुडे वी आर नॉट डूइंग दैट. एंड जस्ट लाइक दैट यू कैन ऑल्सो यूज अ
नोटबुक, तो कोई भी आप ऐसी बुक ले सकते हो जिसमें थोड़े ऐसे विंटेजी टाइप के पेपर्स हो, थोड़े पुराने टाइप के पेपर हो, बिल्कुल व्हाइट वाले मत लेना, अपनी साइंस बुक मत उठा लेना, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो। मैंने एक हैरी पॉटर की बुक पे भी ये करा था एंड उसमें कैरेक्टर्स दिखते थे, दैट वॉज ऑल्सो गुड। वो मैंने ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है वैसी पिक्चर्स, सो आई जस्ट थॉट के क्यों ना हम उसी थीम को कंटिन्यू करें। बट लेट्स ट्राई दिस सेरेमिक ट्रे फर्स्ट। तो सबसे पहले आपको बिल्कुल ऐसा ना फ्लैट नहीं करना होता कभी भी, इसे थोड़ा सा ऐसे डबल लेयर करो क्योंकि ये थोड़ा सा शीयर है, तो इस वजह से मैं इसके पीछे वाला कलर भी यूज कर रही हूँ, विच इज दिस वन, एंड उसे मैं थोड़ा सा ऐसे कर्व टाइप का कर रही हूँ, मतलब ताकि थोड़ा अच्छा सा लगे। आई डोंट नो कि क्यों ऐसे होता है, बट जितना आप टेक्सचर क्रिएट कर सकते हो उतना आप टेक्सचर क्रिएट करो, एंड उसके बीच में आई एम जस्ट गोना प्लेस दिस, एंड फिर मैं इसे थोड़ा सा नीचे से उठा दूंगी ताकि ये टेढ़ा हो जाए, एंड दिस इज व्हाट आवर फ्रेम वुड लुक लाइक। सो मैंने ना ऐसे मैं लिख कर लाई थी कि मुझे क्या क्या शूट करना है इन माय टू डू नोटपैड, एंड आई हैव टू शूट ऑल ऑफ दीज, सो लेट्स स्टार्ट विद दीज वंस। सो ये मेरा फ्रेम होने वाला है एंड मैं यहाँ से रेशियो चेंज कर लूंगी पहले ही, सो 9:16 की जगह 1:1। ये थोड़ी सी देखो यहाँ पर गंदगी सी दिख रही है, तो वो भी हम साफ कर लेंगे, साफ नहीं हो रही है एडिट में हटाना पड़ेगा। एंड अब मैं मैक्रो शॉट्स लेने वाली हूँ, सो यहाँ से सुपर मैक्रो पे कर देंगे, एंड जब आप सुपर मैक्रो पे करोगे ना तो आपको ये सब ब्लर दिखेगा, बट एज सुन एज यू गो लाइक हेयर, तो सुपर मैक्रो शॉट जो मैं लेने वाली हूँ वो मैं यहाँ लूंगी ताकि थोड़ी और डेप्थ दिखे। सी हाउ प्रीटी इट लुक्स, आई एम जस्ट गोना यूज अ टाइमर, यू कैन सी मेरा हाथ कितना ज्यादा कांप रहा है, और इसे हम खोल के भी करने वाले हैं, सो आई हैव ओपन्ड दिस एंड सक्सेस। तो अब ऐसे ही मैं बाकी सारे नेक पीसेस का करने वाली हूँ, मैं आपको एक बार बुक पे भी करके दिखा देती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ, एंड देन आई विल जस्ट पुट यू गाइज ऑन टाइम लैप्स। सो एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो भी आपने ज्वेलरी कार्ड वगैरह रख रखा है उस पे आप लगा दो ताकि ब्रांडिंग भी हो जाए, आप इसे कहीं भी यूज कर सकते हो, लाइक अगर आप ऐसे भी रखोगे तो भी अच्छा लगेगा, एंड अगर आप इसे बुक के ऊपर रखोगे तो भी अच्छा लगेगा, बट अभी हम बिना बुक के करने वाले हैं, एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। और ये फ्रेम में लेकर पूरा ट्राई के वो मिडल में रहे, या फिर उसे एकदम लाइक 1/3 प्रोपोर्शन में रखो तो भी बहुत अच्छा लगता है, लाइक दिस। एंड मैं साथ के साथ इसकी रील भी बना लेती हूँ, जस्ट लाइक दिस, और एक बार इधर से भी ले लेंगे, और एक बार जूम करते हुए, और एक बार जूम आउट करते हुए, और एक बस इसका एक स्टिल लेना है जस्ट लाइक दिस, एंड दैट इज इट, लेट्स सी द पिक्चर्स, नाइस प्रीटी, I really like this one also. It's very pretty. It looks so, so nice. And yeah, that is how you take product photo shoots.
फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि ये हेल्पफुल रही हो. मैंने जो भी चीजें आपको बताई हैं इस वीडियो में मेंशन करी है, उन सबका मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी फॉर योर ईज. आई हैव ऑल्सो क्रिएटेड एन Amazon पेज बिकॉज आई शॉप अ लॉट फ्रॉम Amazon, इस वजह से मैंने सब कुछ डाल दिया है. सो या वी विल बी लॉन्चिंग सम रियली कूल स्टफ ऑन 15th of April 11 AM. तो डू चेक देम आउट, काफी मजेदार चीजें हैं एंड प्राइसेज आर अनबिलीवेबली लो. सो गाइस दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो एंड अगर आई है देन यू नो व्हाट टू डू. लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्रंच इट अप. ऑल्सो अगर आपके पास कोई वीडियो आइडियाज है अदर देन पैकिंग व्लॉग्स, जो पैकिंग व्लॉग्स होते हैं या फिर पैकिंग ASMR वगैरह है, वो मैं करूंगी ही वंस आई डू माय पैकेजिंग. सो प्रोबेबली नेक्स्ट व्लॉग पैकिंग व्लॉग ही आएगा. बट तब तक के लिए डू लेट मी नो कि आप और क्या इस चैनल पे देखना चाहते हैं फुल फ्लेज्ड वीडियो में. शॉर्ट्स वगैरह आते ही रहेंगे, उसकी टेंशन आप मत लेना. तो मेरे को बता देना इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. और अब हम मिलेंगे आपसे नई वीडियो में विद सम अमेजिंग न्यू प्रोडक्ट्स. तब तक के लिए हैप्पी शॉपिंग, बाय.